नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं कारगर रिबा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राष्ट्र आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें अर्पित कर रहा है श्रद्धांजलि। ईटानगर के दोरजी कांडू सभागार में आयोजित नेशनल यूथ डे कार्यक्रम में राज्य के युवा मामलों के मंत्री मामा नातुम सहित कई गणमान्य व्यक्ति रहे मौजूद। नामसाई में उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। अरुणाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री कमलांग मोसुंग ने ईटानगर होलोंगी मार्ग पर दापो यारलो में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए प्रस्तावित स्थल का किया निरीक्षण। कहा, ईटानगर राजधानी क्षेत्र में कूड़े के निपटारे के लिए उठाए जा रहे हैं प्रभावी कदम। थलसेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा, देश की उत्तरी सीमा पर स्थिति नियंत्रण में, लेकिन बनी हुई है अनिश्चितता। कहा, सेना किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने में पर्याप्त संख्या में है तैनात। और पूर्वोत्तर राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति में हुआ काफी सुधार। राष्ट्र आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बीडी मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति ने अपने श्रद्धांजलि संदेश में कहा कि स्वामी विवेकानंद अध्यात्म और देशभक्ति से परिपूर्ण विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे। स्वामी जी का जीवन और उनकी शिक्षाएं युवाओं को अपने स्वरूप और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी जी का जीवन राष्ट्रभक्ति और कर्मठता के लिए देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। ईटानगर के दोरजी कांडू सभागार में आयोजित नेशनल यूथ डे कार्यक्रम में राज्य के युवा मामलों के मंत्री मामा नातुंग, विधायक चाओ जिग्नू नामचुम, राज्य के प्रमुख सचिव धर्मेंद्र सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस अवसर पर मामा नातुंग ने कहा कि राष्ट्रीय युवा दिवस युवाओं को स्वामी विवेकानंद के जीवन से सीखने और राष्ट्र निर्माण में योगदान की प्रेरणा देता है। स्वामी विवेकानंद की जयंती अवसर पर नामसाई में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिला इकाई द्वारा यंग इंडिया रन मैराथन आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री चाउना मेन ने युवाओं से शिक्षा के साथ खेल और अन्य गैर शैक्षणिक गतिविधियों में हिस्सा लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम विकसित युवा विकसित भारत का वर्तमान समय में बहुत महत्व है और प्रोग्रेसिव यूथ के विकास के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि राज्य में सभी हितधारकों के सहयोग से शहरी क्षेत्रों के लोगों के जीवन का आसान बनाने और उन्हें बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। प्रदेश के 13 नोटिफाइड अर्बन सेंटर्स का जीआईसी प्लेटफॉर्म पर मास्टर प्लान तैयार है। स्थानीय लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए IMC 101 सैनिटेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। IMC और PMC को सैनिटेशन व्हीकल की खरीद के लिए 5 करोड़ रुपये और अन्य अर्बन सेंटर्स को स्वच्छता गतिविधियों के लिए 22 करोड़ रुपये प्रत्येक वर्ष जारी किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन तहत मंजूर किए गए 7,393 आवास में से 3,014 आवासों का निर्माण किया जा चुका है और जून 2023 तक शेष बचे आवास का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ट्रेनिंग लाइसेंस, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र सहित नागरिकों के लिए सभी जरूरी सेवाएं उपलब्ध हैं। अरुणाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री कामलुंग मोसांग ने आज ईटानगर होलोंगी मार्ग पर चिंपू से लगे दापो यारलो में प्रस्तावित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट स्थल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर ईटानगर के मेयर तामे पासांग और अर्बन लोकल बॉडीज के कमिश्नर नीरज सोमवाल सहित कई अधिकारी मौजूद थे। संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोसांग ने कहा कि ईटानगर राजधानी क्षेत्र में कूड़े के निपटारे के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं और तोस कचरा प्रबंधन प्लांट का निर्माण विभाग की प्राथमिकता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इशू एक सीरियस प्रॉब्लम है, तो काफ़ी साल से चल रहा था ईटानगर में। तो हम लोग ने वहाँ खरसिंग सा में भी ज़मीन को देखा था, अबाउट अप्रोक्सीमेटली लिटिल मोर देन शायद 10 हेक्टर से ज़्यादा होगा। और आज हम यहाँ हैं
तो ये एरिया टोटल जो अप्रॉक्सीमेटली हमको जो बताया गया कि इट इज़ अबाउट 10 हेक्टर्स के 1 लाख स्क्वायर मीटर और मेन रोड से 2.5 किलोमीटर है, तो हम चल के आया देखा है और यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ज़मीन मिलने का बाद में मेरा हिसाब से ये सारा कैपिटल रीजन में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि हमारा मेयर साहब तमे पसंग साहब हमको बता रहा था सुबह कि नेक्स्ट 50 ईयर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आज का बाद में मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट बोले तो 2016 का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का तहत ही मैनेजमेंट करना है, वो क्लियर कट बाइंडिंग है ऑफिशियली, आप लोग देख लीजिए अपना अपना सोशल सिस्टम में। तो 2016 का सोशल वेस्ट मैनेजमेंट का एक्ट का मुताबिक ही हम लोग को मैनेज करना है, जो सबसे पहले टॉप में आता है सेवरेज प्लान, सेप्टिक प्लान, फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान। वो एक तो हमारा माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक तो क्लियर कट अपना डायरेक्शन है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि देश की उत्तरी सीमा पर स्थिति नियंत्रण में, लेकिन अनिश्चितता बनी हुई है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि भारतीय सेना किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने में पर्याप्त संख्या में तैनात है। सेना दिवस से पहले आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सेना प्रमुख ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात सैनिक शत्रु की किसी भी नापाक साजिश को बहादुरी से मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत और चीन 7 में से 5 विवादित मुद्दों को सुलझा चुके हैं। जनरल मनोज पांडे ने कहा कि भारतीय सेना देश की युद्ध की तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी के उपयोग और मूल सुविधाओं के विकास पर खास ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। इन द नॉर्थ ईस्ट द पीस हैज रिटर्न्ड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड यू आर आल्सो अवेयर ऑफ द डीनोटिफिकेशन ऑफ डिस्टर्ब्ड एरियाज इन असम, इन मणिपुर एंड नागालैंड। द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स have yielded good results and overall the dividends of the peace return of peace are clearly evident. This Army Day is also special in the sense that this is also the 75th year of our independence. So besides the Indian Army carrying out its primary mandate and role, we also fully aligned to the national vision for the future and committed to achieve the national goals and objectives that have been set out. We have decided to undertake transformation of the Indian Army, and that essentially spans across 5 key domains, starting from force restructuring and optimization, modernization and technology infusion, then you have the human resource management philosophy or Agnipath, which came about sometime middle of last year. We are also looking at greater emphasis, stress and better outcomes in terms of jointness as integration. And lastly, we are also looking at refining and improving our systems and processes in order to enhance the operational, administrative as well as the logistic efficiencies. You have a central data repository of all our soldiers, officers and JCOs available at a single window, which will essentially help us for better HR management and decision making. We also have taken some steps towards the welfare of our veterans, Veer Naris, and this is in the form of Virangana Seva Kendra, wherein again this will be a single window
opportunity for all the veterans as well as the Veer Naris to able to access online and will help us. भारतीय जनता युवा मोर्चा की अरुणाचल प्रदेश इकाई ने आज नेशनल यूथ डे के अवसर पर यंग इंडिया रन आयोजित किया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। अपने संबोधन में विधायक चाओ जिग्नू नामचुम ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वामी विवेकानंद के संदेशों को प्रसार करना और युवाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए प्रोत्साहित करना है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के विवेकानंद केंद्र विद्यालय निर्जुली में आज स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर पापुमपारे जिले के उपायुक्त सचिन राणा, बीकेबी के प्रांत प्रमुख तेजुम पादू सहित शिक्षक और छात्र मौजूद थे। अपने संबोधन में जिला उपायुक्त ने अभिभावकों से अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन करने का आह्वान किया। उन्होंने छात्राओं से जीवन में सफलता के लिए लक्ष्य निर्धारित करने और उसे हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम करने को कहा। इस अवसर पर छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। असम राइफल्स की लॉन्गडिंग बटालियन द्वारा जिले के 20 प्रतिभाशाली छात्रों को जोरहाट, गुवाहाटी, काजीरंगा और कोलकाता का शैक्षणिक भ्रमण कराया गया। 3 जनवरी से 11 जनवरी तक आयोजित इस 9 दिवसीय नेशनल इंटीग्रेशन कैंप में शामिल युवाओं ने इस कार्यक्रम के लिए असम राइफल्स के प्रति आभार जताते हुए कहा कि इससे उन्हें सेना नेशनल पार्क, कोलकाता में ऐतिहासिक स्थलों और साइंस सेंटर का भ्रमण करने और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिला। It was so much outstanding. Like, we enjoyed so much, and it gave me and all of us an opportunity to experience fitness and enjoy. We also interact with eminent personalities like Eastern Army Commander and Honorable Governor of West Bengal. We also visited the historical monuments and museums. असम राइफल्स के मियाओ बटालियन ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कारसांग को शैक्षणिक कार्य में सुविधा के लिए कंप्यूटर सेट्स उपलब्ध कराया। असम राइफल्स द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार नागरिक सेवा कार्यक्रम के तहत विद्यालय के छात्राओं को बेसिक कंप्यूटर का प्रशिक्षण देने के लिए कंप्यूटर सेट्स प्रदान किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फर्जी खबर चलाने वाले यूट्यूब चैनलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। फ्रेश इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB के फैक्ट चेक इकाई ने 6 यूट्यूब चैनलों का पर्दाफाश किया जो देश में जूती कवरेज चला रहे थे। इन चैनलों के लगभग 20 लाख सब्सक्राइबर थे और इन पर डाले गए वीडियो 51 करोड़ बार देखे गए। ये चैनल चुनावों, उच्चतम न्यायालय और भारत की संसद की कार्यवाहियों तथा भारत सरकार के कामकाज को लेकर फर्जी खबरें फैला रहे थे। मंत्रालय ने बताया कि ये चैनल फर्जी खबरों के कारोबार का हिस्सा है जो फर्जी खबरों से कमाई करते हैं। इन फर्जी चैनलों में नेशन 24, स्वर्णिम भारत, सरोकार भारत, नेशन TV, संवाद समाचार और संवाद TV शामिल है। PIB की फैक्ट चेक इकाई ने दूसरी बार ऐसी कार्रवाई की है। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड वाटर सप्लाई वर्कर्स यूनियन द्वारा बुधवार को ईटानगर कामगारों के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण कार्य कामगार कल्याण बोर्ड के अधिकारी तादुंग रिग्या ने कामगारों से बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की। अवेयरनेस जो है रिगार्डिंग जो रजिस्ट्रेशन इन बोर्ड, बोर्ड में जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट क्या है, उस चीज़ के लिए स्पेशली इस अवेयरनेस प्रोग्राम थे। और मेरा मैसेज ये रहेगा कि रजिस्ट्रेशन से बेनिफिट ये है कि सोशल सिक्योरिटी दिया जाता है बोर्ड के जरिए,
और बोर्ड का गठन भी यही है कि सोशल सिक्योरिटी देने के लिए, जैसे हम लोग बोर्ड में प्रावधान है जिसमें ये डेथ बेनिफिट दिया जाता है, एजुकेशन बेनिफिट दिया जाता है, फ्यूनरल असिस्टेंट, मैटरनिटी बेनिफिट, ये काफ़ी सारा इसमें है प्रावधान है जिसका जिसको ये पैदा उठाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए रजिस्ट्रेशन। चांगलांग जिले के इनोवा में 15 दिन का माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम MEDP शुरू हो गया है। नाबार्ड द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय महिलाओं को फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वह अपना उद्यम शुरू कर अतिरिक्त आय कर सकें। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जय किशन रेड्डी ने अरुणाचल प्रदेश के मनोरम पर्यटन स्थल का एक वीडियो शेयर करते हुए लोगों से देखो अपना देश अभियान के तहत अरुणाचल प्रदेश के सुदूर इलाकों का भ्रमण करने की अपील की है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया के खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD News अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।